नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। सांसद के वीडियो वायरल होने के बाद सांसद ने मांगी माफी। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के सांसद पकौड़ी लाल कोल के द्वारा मंच से ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय को अपशब्द कहे जाने के बाद और मीडिया में खबर आने के साथ ही जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए सांसद पकौड़ी लाल कोल के द्वारा एक वीडियो जारी करते हुए सफाई दी गई है। सांसद ने कहा है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सारे समाज के आशीर्वाद से हूँ और इस बात पर हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग आहत हुए हैं और मैं भी शर्मिंदा हूँ, जिसको देखते हुए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बातों से जिनको ठेस पहुंची है मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। वहीं सांसद पकौड़ी लाल कोल ने कहा है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सारे समाज के आशीर्वाद से हूँ और इस बात पर हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग आहत हुए हैं और मैं भी शर्मिंदा हुआ हूँ, जिसको देखते हुए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बातों से जिनको ठेस पहुंची है मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। लाइव टीवी समाचार के लिए सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ कोतवाली पे, क्या है मामला? आज का यह जो प्रदर्शन है 15 तारीख को मिर्जापुर के रघुनाथ सिंह गांव में सांसद सदस्य जो यहाँ के हैं पकौड़ी लाल कोल जी, इन्होंने मंच पे वर्ग संघर्ष कराने के लिए भाषण दिया और वर्ग संघर्ष में इनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि ब्राह्मण और ठाकुर को अपशब्द कहते हुए कहा गया कि मैंने पिटवाया। और जब इनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग आए, जिसमें 12 सिपाही, 1 सीओ और 2 दरोगा के स्तर के लोग थे, उनको भी पिटवाया। इससे स्पष्ट होता है कि सांसद जी यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ की बातों को संसद में रखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ वर्ग संघर्ष कराने के लिए आए हैं। और जो आज दिखाई देने लगा है, इस जनपद के लोग कभी भी आंदोलित नहीं हुए, कभी भी वर्ग संघर्ष की स्थिति में नहीं गए, लेकिन वर्तमान सांसद यहां वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। और इन्होंने मिर्जापुर में स्पष्ट यह कहा कि मैं वर्ग पिटवाया। मतलब आप हमारी आवाजों को रखने के लिए हैं कि हमारी आवाजों को पिटवाने के लिए हैं? इसलिए यहाँ किसी दल विशेष नहीं, राजनीति विशेष नहीं, संगठन विशेष नहीं, हम ब्राह्मण समाज के लोग, हम क्षत्रिय समाज के लोग, दोनों वर्गों के लोग, जिनको इनके द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया गया, अरब मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, उसलिए आंदोलन के रूप में एक अपना ज्ञापन यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को दिया और सांसद के ऊपर राष्ट्रद्रोह का कानून कायम कराने के लिए हम लोगों ने मांग किया और इनके इस्तीफा की मांग किया। राष्ट्रद्रोह का कानून क्यों? इसलिए राष्ट्रद्रोह का कानून कि इन्होंने अपने बयान में, अपने वक्तव्य में यह कहा है कि हमने पिटवाया और पुलिस प्रशासन पे हमला कराया। मतलब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रद्रोह है जी। भारतीय जनता पार्टी हो या यहाँ अपना दल हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी दल ने किसी को यह नहीं कहा है कि वह अपने इस प्रकार से शब्दों का चयन करके वह वक्तव्य जारी करे। किसी संगठन ने इस प्रकार का उनको नहीं कहा। और आज का जो आंदोलन है यह भी राजनीतिक नहीं है, यह उनके वक्तव्य का और श्री पकौड़ी लाल कोल का विरोध है। हम लोग इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चाहते हैं और तत्काल गिरफ्तारी चाहते हैं, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ इस मुकदमे में जो भी जांच होगी उसको प्रभावित करेंगे और इसी प्रकार से वो वर्ग संघर्ष कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सदर विधायक है, वो ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, वो ब्राह्मण है। लेकिन आज यहाँ सैलाब आप ब्राह्मणों की देख रहे हैं, क्षत्रियों की देख रहे हैं, इनमें वो ब्राह्मण क्षत्रिय जो जनप्रति और जिलाध्यक्ष है कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ब्राह्मण क्षत्रियों को जो अपने जाति धर्म का अपमान अपने सांसदों के द्वारा सुनता है, उसके बाद भी मुंह रखता है, उसको हमारा समाज सबक सिखाने का काम करेगा। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं तो क्या मांग है और किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन के यहाँ सांसद पकौड़ी लाल कोल जी हैं, वो लगातार ब्राह्मण क्षत्रियों और सवर्णों के प्रति अपशब्द का वो बयान देते रहे हैं। लेकिन उनका बयान कल से सार्वजनिक हो गया है, वो वायरल हो गया है।
इसके पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो अभी भदोही से सांसद है बिंद, वो ब्राह्मणों को जनेऊ उतारने की मार बात करता था, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ त्याग तपस्या करके सभी जातियों ने मिलकर मोदी जी के नाम पर उसको जिताने का काम किया। वही जातिवादी सांसद अपना दल का यहाँ पकौड़ी लाल घोर सोनभद्र का है, उसको भी यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया, लेकिन वह खुलेआम मंचों से ब्राह्मण क्षत्रियों को मारने की बात कर रहा है, सीओ दरोगा कोतवाल को पिटवाने की बात कर रहा है और लोगों की जमीन जो मकान है उसको डायनामाइट से जमीन दोज करने की बात कर रहा है। ऐसे बेबुनियाद बात करने वाले, बेतुकी गाली गलौज करने वाले सांसद को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, उसके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हम योगी सरकार और मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने सांसद के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सौर समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। FIR भी करवाएंगे आप लोग? FIR के लिए तहरीर पुलिस को दे दी गई है और उम्मीद है कि जिस पुलिस सीओ को कोट कूटने की और मरवाने की बात बहुत सांसद कर रहा है, वो पुलिस दरोगा कोतवाल सीओ हमारे उसको गंभीरता से लेंगे और उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों की मांगे मानी जाएगी। स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।